11 साल पुराने गीतिका एयर होस्टेस सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सिरसा के विधायक गोपाल कांडा बरी हो गए हैं। आइए जानते हैं गोपाल कांडा ने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जब एफिडेविट दाखिल किया गया था तो उसके मुताबिक कांडा के पास लगभग 72,000 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी, ऐसा बताया गया था। सभी जानते हैं कि सिरसा में गोपाल कांडा का कई एकड़ में फैला हुआ घर है जिसकी शानो शौकत किसी राजमहल से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में ही गोपाल कांडा ने अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर जूते की दुकान खोली थी और उन्होंने 8वीं तक की ही पढ़ाई की थी। जूते की दुकान के बाद वे रियल एस्टेट मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने उतरे। उसके बाद MDLR एयरलाइंस के जरिए गोपाल कांडा ने एक ऊंची कामयाबी भरी छलांग लगाई और धीरे धीरे वो हरियाणा के सबसे कामयाब कारोबारियों में शामिल हो गए। गोपाल कांडा ने दौलत के साथ साथ सियासत में भी अपनी किस्मत को आजमाया। साल 1996 में उन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में अपना सिक्का जमाया। उसी के बाद हरियाणा की दमदार पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिले। साल 2004 में उन्होंने राजनीतिक चाल चल कर कांग्रेस की सरकार बनते ही उसके साथ खड़े हो गए। इधर सियासत के साथ साथ उनकी दौलत भी बढ़ रही थी। उनका कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उनकी एयरलाइंस कंपनी MDLR नहीं चल पाई, लेकिन शॉपिंग मॉल और गोवा के होटल में कैसिनो, स्कूल, यूनिवर्सिटी उनके दौलत के खजाने को भर रहे थे। उनका रसूख, उनकी दबंगई बढ़ रही थी। एक बार संपत्ति की जांच करने आए इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी उन्होंने पीट दिया था। सिरसा में मौजूद उनका घर, जो किसी राजमहल से कम नहीं है, उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ के करीब बताई जाती है। एक छोटी सी जूते चप्पल की दुकान से उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया। बिजनेस और सियासत दोनों में ही उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया। साल 1998 में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बिजनेस में ही जैसे ही उन्होंने अपने पैर रखे, उनके बिजनेस को तरक्की मिल गई। पहले छोटे छोटे प्लॉट खरीद की बिक्री करते थे और बाद में हरियाणा प्रदेश के रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में उनका नाम शामिल हो गया। व्यापारिक साम्राज्य बड़े नेताओं के साथ संपर्क साधने लगे और राजनीति में कदम रख दिया। कई बार उन पर गैंगस्टर के साथ संबंध के भी आरोप लगे। साल 2007 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कांडा की गतिविधियों की जांच करवाने के लिए कहा, तभी उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को उतार दिया था। साल 2009 में वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और जीते भी। तब वे कांग्रेस की हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। गोपाल कांडा को भी राजनीतिक का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। साल 2019 में जब उन्होंने देखा कि बीजेपी जीत की कगार पर है तो उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया। गोपाल कांडा ने लगभग 40 से ज्यादा कंपनियां बनाई। उनकी कई कंपनियों में लड़कियां काम करती थी। वो अपनी कंपनी में कम उम्र और कम तजुर्बे वाले लोगों को भी बड़े ओहदे देते थे, अच्छा पैसा देते थे। सिरसा में गोपाल कांडा ने 13 एकड़ जमीन में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उसमें 2.5 एकड़ में स्कूल भी बनाई। वे कई बार अपने यहाँ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे और उसमें फिल्मी हस्तियों और राजनेताओं और रसूखदार लोगों को भी बुलाते थे। साल 2014 में गोपाल कांडा ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया था, उसमें उनकी चल संपत्ति 70,52,75,1200 बताई गई थी। उस दस्तावेज में उनकी अचल संपत्ति का ब्योरा 14,93,00,000 था, ऐसा बताया जाता है कि उनके पास 3,923 ग्राम सोना है, साथ ही 72 कैरेट डायमंड भी है और उन डायमंड की कीमत 72,00,000 है। गोपाल कांडा की पत्नी सरस्वती कांडा की बात की जाए तो उनके पास लगभग 10,50,00,000 की चल संपत्ति है और 18,45,00,000 की अचल संपत्ति है। सरस्वती कांडा के पास 1,562 ग्राम सोना है, 250 कैरेट डायमंड है जिनकी कीमत 25,00,000 रुपए बताई जाती है। तो एक मामूली सी जूते की दुकान से अपने कारोबार की शुरुआत करने वाले गोपाल कांडा ने अपने व्यापार और राजनीति के दायरे को इतना बढ़ा दिया कि वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।